दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों सामने जो आप मोबाइल देख रहे हैं ये रेडमी वाई टू, इस मोबाइल में अगर FRP लोग अगर आप UMT डोंगल या मेडिकल बॉक्स से अगर आप अनलॉक करेंगे तो अभी ये नहीं होगा क्योंकि ये मोबाइल अभी सपोर्ट नहीं है। और इस मोबाइल को अगर आप YouTube पर वीडियो देख करके अगर आप अनलॉक करेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरह से इस मोबाइल को आप जो है इसका FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों FRP अनलॉक करने के लिए आपको इस SD कार्ड के अंदर में जो है आपको एक फाइल डालनी होगी, FRP फाइल। दोस्तों आप यहां पर सामने देख सकते हैं कि ये FRP फाइल है 8.0 FRP अनलॉक करने के लिए। तो इस फाइल को आप जो है कंप्रेसर फाइल है, इसे आप एक्स्ट्रा हेयर कर सकते हैं और इसे अपने SD कार्ड में डाल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों फोल्डर को, ये दो फोल्डर बनेगा, एक फोल्डर इसके अंदर बनेगा, ये दोनों फोल्डर को मिलाकर आपको एक SD कार्ड में डाल देना है, मेमोरी कार्ड में डाल देना है आपको, ठीक है। और उस मेमोरी कार्ड को आपको जो है अपने मोबाइल में लगाना है और इस फाइल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों फाइल जो है आपको जो है इस SD कार्ड में डाल देना है, उसके बाद आपको इसमें इंटरनेट यूज करने वाला सिम आपको एक लगा देना है और उसके बाद आपको SD कार्ड लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मोबाइल में FRP लॉक लगा हुआ है और यहाँ पर जो है कोई स्किप का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे जो है नेक्स्ट आप कर नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे आपको अनलॉक करना है। तो आपको बैक आना है, बैक आने के बाद आपको यहाँ पे वाईफाई जो यहाँ पे ऑप्शन है वाईफाई पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो है कुछ भी टाइप कर देना है, आपको कुछ भी आपको लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सामने यहाँ पे मैसेजिंग है, यहाँ पे आपको मैसेज पे आपको क्लिक करना है और मैसेज पे क्लिक करने के बाद आप ऊपर में ऊपर वाली लाइन में कुछ भी नंबर आप डायल कर सकते हैं और नीचे वाले में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी लिख करके आप इस तीर के निशान पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप इस तीर के निशान पर क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे मैसेज यहाँ पे सेंड हो जाएगा, आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, फॉल्स मैसेज यहाँ पे सेंड हो चुका है। उसके बाद दोबारा फिर से आपको यहाँ पे youtube.com आपको टाइप करना है, ठीक है, ओनली आपको youtube.com आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको फिर से आपको जो है जो नंबर ऊपर में दिए हैं और नीचे में youtube.com लिखे हुए, ठीक है, आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर में नंबर दिया हुआ है, नीचे में youtube.com लिखा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे तीर के निशान पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ब्राउजर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, सबसे ऊपर में। तो जैसे आप ब्राउजर पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपको ये जो है youtube.com पर आपको पहुंचा देगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म एंड प्राइवेसी पॉलिसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है एक बार। उसके बाद आप कुछ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इस पे टाइप करना है www.google.com, ठीक है, तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है www.google.com, ये आपको टाइप करना है और टाइप करके आपको जो यहाँ पे जो आपको इसे नेक्स्ट करना है, ठीक है, यहाँ तीर के निशान पर आपको क्लिक कर देना है एक बार, ऑटोमेटिकली जो है आपका गूगल जो है यहाँ पे खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है L, लिखने के बाद आपको स्पेस देना है, उसके बाद लिखना है आपको लंचर, ठीक है। तो लंचर जब लिख करके जब आप सर्च करेंगे उसके बाद ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं L लंचर, ठीक है, 1.8, इसे आपको डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में, ठीक है। तो इसे आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एक बार, उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल चुका है, आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे ये डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है और ये जो है डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये चार लाइन पर आप नीचे में क्लिक करेंगे, फिर से मैं आपको दिखा दूं, चार लाइन पर क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको बैक करके दोबारा यहाँ पे दिखाते हैं, आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन जो है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है हमारे डिवाइस में और इसे हमें सिंपली इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपको मोबाइल के अंदर में आपको इन कर देगा, ठीक है, आप मोबाइल के अंदर चले जाएंगे और मोबाइल के अंदर में जाने के बाद आप यहाँ पे फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे और फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद जो FRP फाइल मैंने आपको SD कार्ड में डालने के लिए कहा था, ठीक है, तो SD कार्ड जब आप लगाएंगे मोबाइल में ये फाइल डाल करके ये फाइल यहाँ पे शो करेगा। सबसे पहले आपको नीचे वाला फाइल आपको इंस्टॉल करना है, चलिए मैं आपको दिखा दूँ फिर से, आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले आपको ये नीचे वाला फाइल जो है पहले आपको इंस्टॉल करना है, पूरी तरह से कंप्लीट इंस्टॉल करना है, क्योंकि अगर ये फाइल इंस्टॉल पहले नहीं होगा तो दूसरा वाला फाइल आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये फाइल कंप्लीट आपका इंस्टॉल होना चाहिए। आपको मैं दोबारा यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे वाला फाइल जो पहले आपको इंस्टॉल करना है इस मोबाइल में, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ये वाला फाइल जो है आपको 1.0 बाईपास वाला इसे आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसे इंस्टॉल करेंगे आप, इसे इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको ओपन पे क्लिक करना है।
उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपको दिखेगा इंटरफेस। उसके बाद सबसे ऊपर में आप यहाँ पे देख रहे हैं तीन डॉट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ब्राउजर साइन इन पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, यानी कोई भी आपके पास ईमेल आईडी है, किसी भी ईमेल आईडी से आप इस डिवाइस को साइन इन कर सकते हैं। तो चलिए हम इस डिवाइस को यहाँ पे कोई एक ईमेल आईडी से यहाँ पे साइन इन करते हैं। हमने यहाँ पे अपना जो एक ईमेल आईडी डाल दिया है, ठीक है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट करना है। चलिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी डाल करके नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरह से बहुत ही आसानी से मोबाइल अनलॉक हो रहा है। तो दोस्तों मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद उसके बाद हमें यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है, और जैसे हम साइन इन पे क्लिक करेंगे और ये ईमेल आईडी इस डिवाइस में जो है एक्सेप्ट कर लेगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ईमेल आईडी ये डिवाइस एक्सेप्ट कर चुका है। चलिए हम आपको इस डिवाइस में आपको सेटिंग में जाकर के आपको दिखाते हैं कि जो ईमेल आईडी अभी हमने डाला है इसमें और ये ईमेल आईडी ये डिवाइस एक्सेप्ट किया या नहीं, ठीक है। चलिए हम आपको यहाँ पे बैक करके दिखा रहे हैं सेटिंग में जाकर के। तो दोस्तों आपको सेटिंग में जाना है, सिंपली इस मोबाइल में देखना है कि इस मोबाइल में जो अभी ईमेल आईडी हमने जो साइन इन किया तो वो ईमेल आईडी इस मोबाइल में जो है एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो ईमेल आईडी इस मोबाइल में शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो ईमेल आईडी अगर शो नहीं करेगा इस डिवाइस में तो ये मोबाइल का FRP अनलॉक नहीं होगा। चलिए पहले हम देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने गूगल पे क्लिक किया, साइन इन सिक्योरिटी पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि जो ईमेल आईडी अभी मैंने दिया था वो ईमेल आईडी यहाँ पे इस डिवाइस में आ चुका है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस मोबाइल को आपको जो है ऑफ करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस मोबाइल को हम यहाँ पे पहले ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद दोबारा फिर से इस मोबाइल को हम ऑन करेंगे, और इस मोबाइल का हमें जो है यहाँ पे फिर ऑन होने के बाद इस मोबाइल का सेटअप करना होगा, ठीक है। और सेटअप करेंगे उसके बाद ये कोई भी गूगल अकाउंट जो है अब नहीं मांगेगा, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मोबाइल का जो है हम यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं और आपको जो है इसकी स्पीड बढ़ा करके आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मोबाइल का मैंने सेटअप किया और यहाँ पे कोई भी गूगल अकाउंट नहीं मांगा जा रहा है, डायरेक्टली मोबाइल जो है मोबाइल के अंदर में हम जा सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मोबाइल के अंदर में हम आ चुके हैं, मोबाइल का हमारा जो FRP अनलॉक हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मोबाइल का FRP अनलॉक करने के लिए मैंने जो है FRP फाइल डाउनलोड करने के लिए काफ़ी परेशानी उठाया। उसके बाद मैंने जो है बड़ी मुश्किल से इसका FRP फाइल ढूंढा नेट पर, उसके बाद मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम है वीडियो को लाइक जरूर करें आप, और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।